नमस्कार, कोरोना स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं और कोविड के प्रभावों पर चर्चा करते हुए इन समस्याओं पर किस तरह से काम किया जा रहा है ये जानने का प्रयास करते हैं। आज की कड़ी में हमारे साथ है सुजीत रॉय जी, जो कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अप्रेंटिसशिप डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं, साथ ही एनएसटीसी के आरपीएल और अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को भी हेड कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह से दुनिया भर से कोविड-19 को लेकर रिपोर्ट आ रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस ने विश्व भर में उथल पुथल मचा दी है। हमारे देश में भी लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियां बंद रही हैं। ऐसे में बेरोजगारों के लिए इस वायरस ने क्या चुनौतियां पेश की हैं? देखिए, ये जो चुनौतियां आई हैं, ये सिर्फ स्किल इकोसिस्टम में नहीं आई हैं। ये समस्या जो है पूरे देश भर में इम्पैक्ट किया है इस समस्या ने। तो जितना मुझे लगता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका भयंकर है, बहुत भारी है। और चाहे वो वेज लेबर हो, चाहे वो डेली वेजर, मतलब जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, माइग्रेंट लेबर हो, सबको इस वायरस के प्रभाव ने इम्पैक्ट किया है। जहां तक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, उद्योग है, वहां पर कम से कम सरकार के आदेशों से मार्च में, अप्रैल में और कुछ हद तक मई महीने में लेबर को पैसे मिले हैं, अपनी सैलरीज मिली हैं। पर माइग्रेंट लेबर के केस में और जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनके लिए ऐसा नहीं है, उनको ज्यादा इम्पैक्ट किया है। और नंबर दो, जो छोटे कारीगर हैं, जो कि स्वावलंबी थे, और जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, दुकानदार है, उनको तो पूरी तरह हिट किया है, उनकी आमदनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। और जैसे मई महीने में, जून महीने में अगर जो जो इंडस्ट्रीज फॉर्मल सेक्टर में बंद रहेंगी, उनमें मुझे नहीं लगता कि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि अगर लेबर मौजूद नहीं है, इंडस्ट्री खुल गई है, तो उनको तनख्वाह देने का जरूरी नहीं है उस उद्योग को। तो ये इम्पैक्ट जो कि शॉर्ट टर्म में है, ये मुझे लगता है अभी एक दो महीने इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, जो कि लोग एम्प्लॉयमेंट में है, पर जो कि स्वावलंबी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, उनके लिए आई थिंक जो सबसे बुरा पीरियड था वो पीछे है। अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी है, लॉकडाउन भी धीरे धीरे हटने लगा है, और दिल्ली में तो विशेषकर काफी हट चुका है। तो एज दुकानें जैसे जैसे खुलती जाएंगी, इन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि कोविड-19 के दौरान जो माइग्रेंट लेबर है, उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले कुछ महीनों तक इसका असर रहेगा। हम उम्मीद करते हैं जैसे ही अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, वैसे ही जो बेरोजगार लोग हैं या छोटे काम धंधों से जुड़े लोग हैं, उनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। सर, अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड-19 के कारण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पाठ्यक्रमों को रोक दिया गया, कारखाने बंद हो गए हैं और नौकरियां चली गई हैं, इन सभी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए एनएसडीसी की क्या रणनीति है? हाँ, तीन चार चीजें एनएसडीसी ने इस वक्त इनिशिएटिव लिए हैं और किया है। पहली बात तो जो कि जैसे ये वायरस आया था, देश भर में फैला था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत डिमांड आ गई थी, जो कि अस्पतालों में, ये स्कूलों में जो कि कोविड सेंटर्स बने हैं, उनमें मदद करें सरकार की देखभाली में। तो जो एनएसडीसी के पास बहुत ऐसे लोगों की सूचियां थी जो कि बेसिक कोर्स हेल्थ केयर में कर चुके हैं, तो ये सूचियां उपलब्ध कराई गई सरकार को। इन सारे कैंडिडेट से संपर्क किया गया और काफी हद तक एडिशनल जो मैन पावर हेल्थ केयर सेक्टर में एट द वेरी बेसिक लेवल उपलब्ध कराया गया डिस्ट्रिक्ट्स को, सरकार को, स्कूलों में, वो सब एनएसडी के मदद से ही कराया गया। ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज है कि एनएसडीसी डिस्ट्रिक्ट्स प्रशासन से मिलके, उनसे बात करके ये मैप करने की कोशिश कर रहा है कि माइग्रेंट लेबर अब अगर छोटे शहरों में चला गया, अपने घरों में चला गया है, वहां पर कुछ स्पेशली सर्विस सेक्टर, उद्योग तो अचानक नहीं आएगा ओवरनाइट, बट सर्विस सेक्टर में अचानक कुछ कुछ चीजों में डिमांड बढ़ गई है, जैसे डिलीवरी बॉयज है, चाहे वो खाद्य पदार्थ के लिए हो, एसेंशियल आइटम्स के लिए हो, और अब जनरल आइटम्स के लिए भी होम डिलीवरीज बढ़ गई हैं।
और जैसे परसों भी हमने अखबार में पढ़ा था 50,000 बच्चों की इमीडिएटली जरूरत थी अमेजोन को। तो ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ये डिमांड जनरेट हो रही है तो श्रमिक या जो माइग्रेंट लेबर अपने अपने घरों वापस गया है, एनएसडीसी कोशिश कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर कुछ छोटे छोटे कोर्सेज चलाएं जिसमें ये लेबर जो वापस गया है उनको चैनलाइज कर दिया जाए ये नए जॉब रोल्स में और वहीं पर डिमांड सप्लाई की मैपिंग कर दी जाए। तीसरी चीज एनएसडीसी ये कर रही है, जैसे डिमांड में जो जो जॉब रोल्स आई हैं, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो फार्मेसी में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, रोड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कनाल डेवलपमेंट, छोटे छोटे घर बनाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले काम रुक गए थे क्योंकि लेबर नहीं मिल रही थी, अब क्योंकि लेबर है, क्या कुछ ऐसी चीजें छोटे प्रशिक्षण के बाद ये लेबर जो वहां बैठी हुई है अपने घरों में उनको डाइवर्ट किया जा सकता है? नहीं, अगर जा सकता है तो ऐसे कोर्सेज डिजाइन करके एनएसडीसी इनमें ट्रेनिंग देने की कोशिश करेगी। सर, ये एक अच्छी खबर है, जब काफी सारे लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है ऐसे समय में एनएसडी की तरफ से लेबर्स की डिमांड एंड सप्लाई को लेकर जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है। यह जानकारी हमारे उन युवाओं के लिए भी फायदेमंद होगी जो कोविड-19 की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान के कारण अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में है। सर, एक चीज और देखने में आ रही है कि कोविड-19 ने विशेषज्ञों को कौशल आवश्यकता की जरूरतों पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। सर, आपके अनुसार आर्थिक गतिविधियों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए किस तरह के कौशल सबसे उपयोगी साबित होंगे? अगर आप चाहें तो इस पर कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। कुछ चीजें जैसे मैंने कहा था, कुछ ये बहुत हद तक ये डिपेंड करेगा कि देश की आर्थिक प्रणाली किस तरफ जाती है। क्या उद्योग शिफ्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता इमीडिएटली उद्योग शिफ्ट करेंगे। क्या नए उद्योग यहाँ स्थापित होंगे? जैसे हम पढ़ रहे हैं अखबारों में कि चाइना से कुछ उद्योग वहां बंद हो गए हैं मल्टीनेशनल्स के, क्या वो यहाँ शिफ्ट करेंगे इंडिया में? अगर करेंगे क्या वो छोटे शहरों में जाएंगे? अगर जाएंगे तो पूरा स्किल इकोसिस्टम भी अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। पर अगर ये सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमिना है तो 5-6 महीने में वैसा ही पैराडाइम वापस आएगा जो कि अब तक था, तो विशेष डिफरेंस नहीं आएगा। टेम्पररीली जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ कुछ जॉब रोल्स में हो सकता है डिमांड बढ़े, पर अल्टीमेटली लेबर वहीं जाएगा जहां पर लॉन्ग टर्म डिमांड आएगी। तो जहां तक मैं सोचता हूं, बेहतर ये होगा कि जितना हो सके थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज मॉडल इंडिया में आए, हम इससे कुछ सीखें और जहां तक हो सके लोकल डिमांड सप्लाई मैपिंग हो, लोगों को अपने घरों से बाहर ना आना पड़े। वहां ये जो मेगापोलिस बन गए हैं अर्बन सेंटर जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, ऐसे मेगापोलिस की जरूरत ना पड़े, बल्कि शहर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और वहां के जो गांव हैं छोटे छोटे जहां पर सरप्लस लेबर है वो ज्यादा से ज्यादा उस शहरों में आके ही उनको नौकरी मिल जाए और वहीं रहे। पर इस तरह का पैराडाइम शिफ्ट क्या होगा, क्या इस तरह का डिजाइन करने में हम सक्षम हैं, और क्या नए उद्योग एट ऑल आएंगे इंडिया में या नहीं, या कुछ जो उद्योग चल रहे हैं वो शिफ्ट करेंगे या नहीं, बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड करेगा। क्या हम कुछ लर्निंग्स जो हमने कोरोना से अच्छी चीजें सीखी हैं, क्या हम कोरोना के जाने के बाद वो याद रखेंगे? अगर रखेंगे तो स्किल इकोसिस्टम भी बदलेगा, अगर नहीं रखेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे जहां पर पहले थे विद अ लिटिल बिट ऑफ डिजाइन चेंज। जी सर, एक और जहां कोरोना महामारी ने इंसानों के लिए संकट खड़ा किया है, वहीं कई मामलों में इसने ये भी साबित किया है कि व्यवसाय, नौकरी या किसी भी प्रकार का कौशल हो उसमें दूरदर्शिता और नई सोच लाने की जरूरत है। सर, अब हम आते हैं महिलाओं के मुद्दों पर। सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं पर इस वायरस का काफी दुष्प्रभाव देखने को मिला है। क्या लॉकडाउन के बाद एनएसटीसी की महिला आधारित पाठ्यक्रमों को शुरू करने की कोई विशेष योजना है? देखिए, महिलाओं के लिए अभी तो जितना मुझे पता है, हो सकता है कुछ डिजाइन हो रहे हो, पर वर्चुअल ऑफिसेस का जमाना है तो वी आर नॉट रेगुलरली इन टच विद आवर कोलीग। पर जितना मुझे है कि अभी तो विशेष किसी भी कैटेगरी के लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई है। अभी तो कोविड-19 के जो इमीडिएट चैलेंजेस थे उसी पे सारी संस्थाएं इंक्लूडिंग एनएसडीसी रिस्पॉन्ड कर रहा था। पर अगर कोई चीजें, ये हमें आप जैसी संस्थाओं से पूछना पड़ेगा और पूछना चाहिए
कि अगर कुछ ऐसे जॉब रोल्स आपको नजर आते हैं जिसमें महिलाओं को फोकस करके उनको सक्षम बनाया जाए तो एनएसडीसी जरूर उन पहलुओं पे ध्यान देगा। बिल्कुल सर, हम अपने साथी सामुदायिक रेडियो से चर्चा करके ये जानकारियां इकट्ठा करेंगे कि कोविड 19 के बाद महिलाओं के लिए किस तरह के कौशल विकास की जरूरत अब महसूस की जा रही है। सर, महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर्स की मांग बढ़ी और काफी सारे राष्ट्रीय कौशल संस्थानों को कोविड केंद्रों या क्वारंटीन केंद्रों में बदल दिया गया, तो एनएसटीसी के इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, इन केंद्रों को पुनः खोलने में कितना समय लगेगा और ट्रेनिंग प्रक्रिया के लिए कौन से नए नियम होंगे? देखिए, ज्यादातर जो स्किल इकोसिस्टम में जो हमारे सेंटर्स उतने बड़े नहीं होते हैं कि वो कोविड सेंटर बने, ज्यादातर सेंटर्स जो कोविड सेंटर बने हैं वो सरकारी स्कूल बने हैं। वो हो सकता है हमारे भी कुछ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो कि रिलेटिवली बड़े सेंटर्स हैं, हो सकता है कुछ कन्वर्ट हुए हों, पर हमारे जो 15,000 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ज्यादातर बंद हुए हैं, पर उनको कोविड सेंटर नहीं बनाया गया। जहां तक उन्हें खुलने का सवाल है, जैसे ही सरकार आदेश देती है कि प्रशिक्षण चालू कर दीजिए, वो चालू हो जाएंगे और मुझे लगता है जो कि ग्रीन जोन्स में धीरे धीरे बहुत जल्द वो चालू हो जाएंगे। पर सिर्फ चालू होना जरूरी नहीं है, वहाँ बच्चे भी आने चाहिए, बच्चों को जो मोबिलिटी है लोकल स्तर पर वो उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे ही वो हो जाएगी तो ये सेंटर शायद चलने लगेंगे। जहां तक एसओपी का सवाल है, ये जरूर एसओपी कुछ नए डिजाइन किए जा रहे हैं जो कि कोविड सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन होंगे और इन एसओपीस को पालन करना अनिवार्य होगा। पर ये कोई खास विशेष कोई एसओपी नहीं होंगे, जो हम सुनते आ रहे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इस तरह के अराउंड दीज ओनली एसओपीस बनेंगी। उम्मीद करते हैं ये प्रशिक्षण केंद्र जल्द खुले ताकि ट्रेनिंग प्रक्रिया फिर से चालू हो सके। लेकिन सर, आजकल जिस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज की मांग बढ़ रही है, सेमिनार्स की जगह वेबिनार्स ने ले ली है, ऐसे में क्या स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में वर्चुअल ट्रेनिंग या ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर प्लानिंग की जा रही है? बहुत प्लानिंग की जा रही है, हर दिन चर्चा होती है, डिजाइन भी हो गए हैं बहुत सारे कोर्सेज, अप्रूवल भी इन प्रिंसिपल आ गया है एनसीवीईटी से जो कि स्किल इकोसिस्टम सारा रेगुलेट करता है, और कोर्स बाय कोर्स इसकी अप्रूवल्स भी दी जा रही है एनएसडीसी से या मिनिस्ट्री से। पर चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज है कि क्या आईटी पेनिट्रेशन है हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में, टीमों में, क्या उनके पास स्मार्टफोन है? अगर स्मार्टफोन है क्या वो वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए उसको व्यवहार करेंगे? क्योंकि लैपटॉप्स तो मुझे लगता है घरों घरों में होंगे, तो क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्या वो कनेक्टिविटी अच्छी है? ये सारी चीजें जो आईटी चैलेंजेस, और दूसरा वर्चुअल ट्रेनिंग लेने की कैपेसिटी, इट इज नॉट इजी। मतलब जो आप एक क्लासरूम में हमारी आदतें हैं इस तरह से हम प्रशिक्षण लेते हैं, और अगर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो मशीनों पे प्रशिक्षण लेते हैं, किस हद तक वर्चुअल ट्रेनिंग इफेक्टिव होगा या नहीं होगा सवाल वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्चुअली तो ये तैयार हो जाएगा, वही चलने लगेगा, पर अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो, और हमें लगता है इस पे पुनः विचार करना चाहिए। सर, वर्चुअल ट्रेनिंग से जुड़ी आपकी जो आशंकाएं हैं उससे हम सहमत हैं। कुछ स्किल्स जिन्हें सीखने के लिए इक्विपमेंट्स और मशीन की आवश्यकता होती है वो शायद कारगर ना हो, लेकिन कुछ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जैसे मार्केटिंग, सेल्स आदि में ऑनलाइन कोर्सेज की मदद ली जा सकती है। सर, जैसे कि हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत में प्रवासियों के अपने गांवों और घरों की और वापसी लौटने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से शहरों में कौशल का नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या ये कौशल वापस आएंगे? अगर नहीं तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, इसमें भरपाई जो अभी इधर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर सप्लाई है, जो कि श्रमिक जो वापस घर चले गए हैं, ये लोकली इसका भरपाई होना शहरों में मुश्किल है, क्योंकि जो कि श्रमिक थे वो शहर को नहीं बिलोंग करते थे और शहर में श्रमिक है नहीं, तो उनको तो उद्योग को वेट करना पड़ेगा जब तक वो श्रमिक वापस नहीं आते हैं। अगर ये श्रमिक लॉकडाउन के शुरू में घर चले गए होते तो हो सकता है अब वो वापस आने की स्थिति में होते, पर जैसा हुआ है अब वो श्रमिक वापस जा रहे हैं, तो जब घर जाएंगे कम से कम वो 1-1.5 महीना मुझे लगता है घर पे रहेंगे, वापस आएंगे, वापस आने पे ही उद्योग को श्रमिक मिलेंगे। उधर जो श्रमिक घर पहुंच रहे हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, क्योंकि
छोटे शहरों में उस तरह की नौकरियां नहीं है। कुछ हद तक जैसे पहले जिक्र किया था मैंने, कुछ जॉब रोल्स ऐसे मिल सकते हैं वहां छोटे शहरों में जहां पर कुछ हद तक ये श्रमिक रीचैनलाइज हो सकते हैं, पर सबके लिए वहां नौकरियां नहीं होंगी और नौकरियां मिलेंगी तो शहर में ही मिलेंगी। इसीलिए मेरा पर्सनल नजरिया ये है कि जैसे ही ट्रेनें चालू होंगी और ज्यादा ट्रेनें चालू होंगी, थोड़ा सा 10-15 दिन घर पे रह के जबकि इनकम नहीं मिलेगी, जब आय नहीं होगा, ये श्रमिक वापस आ जाएंगे और तभी ये प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, क्योंकि ओवरनाइट शहरों में श्रमिक नहीं पैदा किए जा सकते। देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रवासियों का फिर से शहरों में आकर काम करना जरूरी है, और जैसा कि आपने भी कहा, हम भी उम्मीद करते हैं कि थोड़े वक्त बाद ही सही ये वापस लौट आएंगे, क्योंकि रोजगार के लिए शहरों की जितनी जरूरत प्रवासियों को है उससे कहीं ज्यादा शहरों को अपनी मजबूती के लिए इनकी है।